क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये तब होंगे अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए दोनों को, तो इनका आंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई के बराबर आए, जिसके एलिमेंट्स 1001 होंगे। तो इनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। फर्स्ट पार्ट में 3, 5, 4, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 - 5 - 4, 3 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 से। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 से। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 - 7 = 28 - 7 = 4 = 28 - 4 = 5 - 20 + 7 = 3 = 21 वैसे यहाँ पे फार्मूले में दोनों के दरमियान में साइन प्लस का आएगा, लेकिन अगर इनमें से एक एलिमेंट माइनस का हो तो फिर दरमियान में अलामत माइनस की आएगी। इसको माइनस करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 1001। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है, लिहाजा साबित हुआ कि ये एक दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सेम इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। 1, 2, 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। -3, 2, 2 - 1 से। 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, +2 को 2 से, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3, 6 +3, 2, 6 2, 2, 4 - 3, 1, 3 1, 0, 0, 1 ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो ये भी दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन। इसमें हमें ए बी और डी 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने प्रूफ करना है कि इनमें से आप 2 को मल्टीप्लाई करके बाद में उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें, या फिर उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके बाद में उनको मल्टीप्लाई करें तो बोथ का आंस सेम आता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें ब्रैकेट के अंदर ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फिर 0। अब -1 को 4 से -4 से मल्टीप्लाई किया 4, और +2, 1, 2 - ये +2 और -2, इसका आंसर आ गया -16, -8, 6 and 0। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो था कि हमने ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा जिस भी हमने चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हो उसका हम एडजॉइंट लेते हैं और फिर उसी के डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ये जो एक मैट्रिक्स आ गया है इसका हमने एडजॉइंट भी लेना है और इसका डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, -16, -8, 6, 0। फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया,
माइनस माइनस एट को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जीरो प्लस एट सिक्स फोर्टी एट यानी इक्वल टू फोर्टी एट आ गया। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो आया इस वजह से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब आप इसका एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लें, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज करेंगे और सेकंड और थर्ड की साइन चेंज करेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वेशन आप वन में पुट कर दें तो ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू जीरो एट माइनस सिक्स माइनस सिक्सटीन ओवर ए डिटर्मिनेंट फोर्टी एट। हर एलिमेंट को 48 से डिवाइड करेंगे, जीरो से डिवाइड किया जीरो, एट वन एट एट सिक्स फोर्टी एट, सिक्स वन सिक्स सिक्स एट फोर्टी एट और सिक्सटीन से जब डिवाइड करेंगे तो सिक्सटीन थ्री फोर्टी एट। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में बी इनवर्स और ए इनवर्स को आंसर को मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए हम इनके पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों के फाउंड आउट करेंगे। बी इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। बी मैट्रिक्स माइनस फोर माइनस टू वन माइनस वन है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। माइनस फोर माइनस टू वन माइनस वन फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ से, माइनस टू वन टू ये प्लस होके इक्वल आ गया सिक्स के और इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू फर्स्ट और फोर्थ की वैल्यू चेंज करेंगे, माइनस वन माइनस फोर और इनके सेकंड और थर्ड के साइन चेंज करेंगे और इनको हम इस इक्वेशन टू में इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल आ गया माइनस वन टू माइनस वन माइनस फोर ओवर सिक्स। क्योंकि अभी हमने इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो अभी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ये पूरा पूरा डिवाइड तो होता नहीं है इस वजह से बाद में ये बटे में आ जाएगा तो फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको आपने इसी तरह से लिखे रहने देना है या फिर आप ऐसे कर लें कि वन ओवर सिक्स और माइनस वन टू माइनस वन माइनस फोर, इस तरीके से इसका आंसर लिख लें। अब हम जाते हैं ए के इनवर्स फाइंड आउट करने पर। तो ए के इनवर्स में हमारे पास ए बराबर है फोर ज़ीरो माइनस वन टू और अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। फोर ज़ीरो माइनस वन टू फोर टू एट और ये इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो इसका हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो एट के इक्वल आ गया है। और अगर इसका जॉइंट फाइंड आउट करेंगे ए का जॉइंट फर्स्ट और फोर्थ की वैल्यू चेंज की, पोजीशन चेंज की है और इसके साइन चेंज करेंगे और फिर हम इनको इक्वेशन थ्री में अगर वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारे पास ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ जाएगा टू ज़ीरो वन फोर ओवर एट। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू वन ओवर एट टू ज़ीरो वन फोर। ये आंस निकालने के बाद आपने अब इस आंस को और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है
बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई करना है। बी का हमारे पास आंसर आया है 1/6, ये हम इसके बाहर लिख लेंगे। -1, 2, -1, 4, -4, और ये जो ए मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स का आंसर था 1/8, ये भी बाहर लिख लें इधर शुरू में, और इसको मल्टीप्लाई करें आप मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से 1/4 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 और 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48। अब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, -1 को 2 से, +2 1 2, फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आ गया, और 2 4 8, फिर -1 को 2 से किया -2, और -4 1 4, 0, और माइनस ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 4 4 16 माइनस का आएगा, और 1/48, 0 8 -6 -16, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम एंड पे इसको जो 48 है इससे हर एलिमेंट को डिवाइड कर लेंगे, 0 8 6 48, 6 8 48, और 16/3, ये 1 16 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा इसको, 16 1 और 16 3 48। तो इसका आप देखें, आप ये देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था और ये राइट हैंड साइड का आंसर, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, और फोर्थ फोर्थ के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि डी और ए को मल्टीप्लाई किया जाए और जो इसका रिजल्ट फाइंड आउट हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें, या ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, डी ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमें सबसे पहले डी को ए से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। डी की वैल्यू है 3 1 -2 2, इसको हम ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 4 0 -1 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 1 1 1 आ गया। फिर इसको सेकंड कॉलम से करते हैं 3 0 0 एंड 1 2 2, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -2 को 4 से, -8 -2 1 2 0, +2 2 4, 11 2 -10 एंड 4। अब डी ए का जो आंसर आया है इस मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें इसका एडजॉइंट भी चाहिए और इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए। डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44, माइनस फार्मूले का और एक ये माइनस, +10 2 20, तो 64 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है। अब हम इसका एडजॉइंट भी फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी और सेकंड और जो थर्ड है उसका साइन चेंज करेंगे, और एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे।
डी ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल आ जाएगा 4 - 2 = 10 - 11 ओवर 64। तो जिस तरीके से हमने इसके फर्स्ट पार्ट में इनको डिवाइड अभी नहीं किया था डिटर्मिनेंट को, इसको भी नहीं करेंगे, इसको 1/64 वैसे लिख लेते हैं और 4 - 2 = 10 - 11 ये हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए हमें पहले ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि बराबर होगा एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इसका हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें अगर ए का, तो 4 - 0 - 1 = 2, 4 - 2 = 8 और ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं ए का, 4 - 0 - 1 = 2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो इसमें हम जब इस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट और जो फोर्थ है उसकी पोजीशन चेंज और इनके साइन चेंज, 0 का साइन चेंज नहीं होगा और भी 1 आ गया। तो हमारे पास ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल आ गया, इसको हम इक्वेशन 2 में इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए की वैल्यूज को, तो उससे हमें ये फाइंड आउट हो गया 8। तो इसमें भी हमने अभी इसको डिवाइड नहीं करना तो 2014 हम लिख देंगे, 1/8 इसके बाहर लिख देंगे। अब हम इसका जो दूसरा है डी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, हम वो कर लेते हैं। डी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एडजॉइंट डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। डी डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करें, 3 - 1 - 2 = 2 मल्टीप्लाई करें, 3 - 2 = 6 और -(-2) - 2 ये हमारे पास = 8। और इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन चेंज फर्स्ट और फोर्थ की और इनके साइन चेंज करेंगे सेकंड और थर्ड का। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 3 में हम पुट करते हैं। इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद हमारे पास 2 - 1 = 2/3/8। तो इसमें भी हम 1/8 को भी बाहर लिख लेते हैं, अभी हम इसको एलिमेंट्स को डिवाइड नहीं करेंगे। हमारे पास ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर ये आ गया है और ये डी मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स आ गया है। अब हम इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये 1/8 और 1/8 इसको आप बाहर लिख लें। और 2014 और 2 - 1 = 3। अब 1/8 = 64 और इसको मल्टीप्लाई करें, 2 - 2 = 4, 0 से 0 हो जाएगा, 2 - 1 = 2 ये भी 0 हो जाएगा, 1 - 2 = 2 + 4 - 2 = 8 और 1 - 1 = 4 - 3 = 12। फोर माइनस टू 10 और 11। तो ये हमारे पास इसकी
ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है और ये इसकी राइट हैंड साइड का आंसर आया है। दोनों एलिमेंट्स इसके सेम हैं। अगर हम इसके एक और स्टेप करना चाहें तो इन दोनों में हम इसको हर एलिमेंट को डिवाइड कर देते हैं। ये 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 भी, 10, 5 2 के टेबल पे, लेकिन 11 डिवाइड नहीं होता, ये वैसे ही आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से आप जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो यही आंस उसका भी आ जाएगा। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंस इक्वल आ गया, लिहाजा ये प्रूफ हो गया कि डी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होता है ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के।